बीच रानी तो सरियल जोड़ा दोनों घेर ली लूटी सरियल नारे इंडे पुरु नीचे नहीं उतर दी घोड़े पर चढ़ा चढ़ा दोनों भाई और सरियल पर इंडे के चारों मेरी घोड़े सो जाए इंडे पर चढ़ी चढ़ी नहीं घेर ली रानी तो सरियल जोड़ा दोनों घेर ली लूटी सरियल नारे तनका फाड़ा सरियल का कपड़ा और लूटो सोड़ा श्रृंगार जो तो भी श्रृंगार करके अब इंडे पर चड्डी चड्डी को चूंट ली कपड़ा फाड़ के रे अर्ध नगन अमर स्तम कर दे और अत्ता मुंडो बोलने गंदा सरियल कहीं जिया जोड़ा के कनु बाग में गैल छुटा की और रोंती रोंती बाग में चाले है और महल में आवे है और आकी माँ बाछल ने जोड़ा की शिकायत करे कि सासो जी मैं बाग में इंडो तेज की पूजा करने गई आया दोनों जोड़ा अर्जन सर्जन आया अरे मेरा कपड़ा सगड़ा फाड़ गिरा मेरा श्रृंगार सगड़ो लूट लियो अरे मन बहुत गंदा बोलिया मुंडा माँ बात चले तो नाम सुनता है रीशा और के माँ बात चले रानी सरियल के रखे रानी सरियल जवाब दे रखे बार ताबड़े रखे अपनी राम सभा सुने वो जो कुछ ददरे वो है सुनने की बात है वो गोगा जी के बाप दादे को नहीं हो सामर को राज राजा गंगराव जी कराया करता राजा गंगराव जी के चार रानी छोटी छोटी रानी को नाम हो तिलोजमा रानी और तिलोजमा रानी के पेट से राजा गंगराव जी के तीन लड़का पैदा हुए चंद्र शैलेंद्र और कलेंद्र और चंद्र के एक लड़को पैदा हुए जी को नाम रखे उमरपाल सिंह जी उमरपाल सिंह जी गोगा जी के दादाजी को नाम गोगा जी की दादी को नाम हो रामकोर राजा उमरपाल सिंह जी का तीन संतान पैदा हुए दो लड़का एक लड़की बड़े लड़के को नाम जेवर सिंह छोटे लड़के को नाम नेवर सिंह और छोटी छोटी लड़की भी को नाम छबील भाई सिंह राजा उमरपाल सिंह जी आपके दोनों लड़का की शादी जेवर सिंह नेवर सिंह की शादी सिरसा पाटन को राजा हो कंवरपाल सिंह जी बाकी लड़की काछल पाछल जो करे गोगा जी को ननिहालो सिरसा पाटन जो को आज पाकिस्तान में पड़े गोगा जी का नाना जी को नाम हो कंवरपाल सिंह जी नानी को नाम हो सारंग देव अब कई दिन हो जाए दोनों लड़का की शादी करे ना कोई संतान पैदा नहीं और संक्षिप्त रूप में करूं मैं तो गुरु गोरखनाथ जी की सेवा कराया करता और गोरखनाथ जी के कृपासु छोटे भाई नेवर सिंह जी के दो संतान पैदा हुए दो लड़का अर्जन सर्जन जोड़ा और जेवर सिंह जी के गोगे जी को जन्म हुआ बाद में की नोमियों ने अठे ददरे वे कमा क्योंकि गोरखनाथ जी की कृपासु अब गोगे जी की सरियल की शादी क्यों हुआ सरियल राजा संध्या सिंह जी की लड़की राजा संध्या सिंह जी तेंदुल नगरी को राज किया करता तेंदुल नगरी कठे पड़िया करती आसाम और बंगाल के बीच में एक नगर बचा करतो जी को नाम हो तेंदुल नगरी और बाकी राजधानी एक दूफा नाम को शहर हो भी कहा राजा संध्या सिंह जी की रानी को नाम हो सरोजबाई राजा संध्या सिंह जी को तोमर जाति का राजपूत और गोगा जी और चौहान जाति का राजपूत राजा संध्या सिंह जी के भी कोई संतान नहीं थी तो जलेंद्र नाथ जी की सेवा कराया करता और जलेंद्र नाथ जी की कृपा से राजा और संध्या सिंह जी का सरियल को जन्म हुआ और गोगा जी को जन्म गोरखनाथ जी की कृपा से हुआ और जलेंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी दोनों गुरु भाई है इसलिए सरियल भी बड़ी शक्तिशाली तो गोगा जी महाराज गोगा जी को जन्म अठे ददरेवे में हो जाए और सरियल को जन्म दूफा शहर तेंदुल नगरी में हो जाए दोनों की उम्र 18-18 वर्ष हो जाए तो गोगो जी सपने मेल के माई सुतिया बटिन सरियल ने भी सपनों आवे और अटिन ददरेवे के माँ गोगो जी ने सपनों आवे गोगो जी की और सपने के माँ अनजान लड़की के आधी शादी हो जाए सागे सपने में और सरियल की अनजान लड़के के सागे आधी शादी हो जाए सपने गोगो जी और सुबह उठे माँ बाछल ने कहे कि माता बाछल सुतियो बादली ये महल सपनों आयो डरती रात को आयो आड़ जंजाल सपने में प्रणी एक राजकुमारी लाडली रात ने मेरी लड़की के सागे शादी हुई बा लड़की है कौन अब माँ बाछल ने केबरो की के सागे शादी दी हुई आपने टिंगर केबरो कटिया खराब हो क्या घर का नेरो थोड़ी है माँ बाछल कहना की बेटा सपने की बात झूठी हो बैठे ने सरियल ने भी सपनों हुआ सरियल आपकी माँ सरोजबाई ने कहे फिर सरोजबाई भी बात टाल दिया अब बात टाल दिया लेकिन गोगे जी ने चक्को नहीं पड़े गोगो जी ढूंढता ढूंढता एरता एरता तेंदुल नगरी दूभा शहर में जाके अरे बैठे सरियल से मिलकी पाछा में तो सरियल आपकी माँ सरोजबाई ने कहे माँ जक्के लड़के के सागे मेरी सपने में शादी हुई वो ददरेव को राजकुमार है गोगो जी नाम है राजा उमरपाल सिंह जी को पोतो और जेवर सिंह जी को बेटो है और मेरो एक निवेदन है गोगो जी के सागे तू मेरी शादी करवा दे तो सरोजबाई दूसरे दिन राजा संध्या सिंह जी सरियल के बाप ने कहे कि राजा संध्या क्या किया वे ताने नीन खन कमारो तारो आंगनो अरे बाबड़ा बराबर की बेटी कमारी थे शनक शनक सुतिया हूँ संध्या सिंह जी कहेंगे रानी फिरी आया देश परदेश जोड़ी को सगो माने ना मिले फिरना जता फिरी आया इस सरियल लाइक कोई लड़को मिलो ही को नहीं
सरोज भाई के भाई राजा संध्या जाजियो बागड़ के देश राजा जीवर के गोगो जी लाड लो सीधा और ददरे के माई चले जाओ। राजा उमरपाल सिंह जी को पोतो है, जेवर सिंह जी को बेटो है, गोगो जी नाम है, बिक सागर सरियल को संबंध है। तो राजा संध्या सिंह जी आज तो अपने अबार भाई अबार चौधरी जी करे कमलिया की अड़ी है, राजा महाराजा के जमाने में की अड़ी है। तो नाई ब्राह्मण ने और सगाई को टिक्के को समान देके राजा संध्या सिंह जी और सरियल को रिश्ते करने वास्ते भेजे, सागे सिपाही भेजे, हाथी घोड़ा बग्गी ढोल धमाका के सागे और सरियल को रिश्ते करने वास्ते भेजे हैं। नाई ब्राह्मण चालता चालता ददरेवे के माए आवे हैं, अरे ढोल बजे हैं, अरे ढोल की आवाज माँ बाछल के काना में पड़े है, अरे के माँ बाछल गोगो जी ने बूझे रखे, गोगो जी जवाब दे रखे वार्ता बड़े है। अरे को का धर मेरे क्या क्या तो बाजे रे ढोल बेटा, ओ क्या क्या तो बाजे रे ढोल, ए जीरे क्या क्या तो गावे सैया, क्या क्या तो गावे रे से खेली का हो गए तो
छोड़ो कोनी प्रेम तो छोड़ो कोनी जा ए जाय जी रे हां हो गए जी ने बूझे है कि बेटा क्या का बाजे ए ढोल क्या का गाव सहेली है गीत ए गीत ने क्या का गाया जाए गोगो जी कहने लगे तन बेरो ही कोनी मैं तेरे बेटे को मंड को ब्याह बमनड़ा गाव सहेली है गीत तन कोई ने बेरो कोनी मेरो तो ब्याह है गोगो जी वो बात क्यों कहे जिस समय सरियल सु मिलकी गोगो जी दुफा शहर में आवे तो बम्मी ने खाना देख के आवे और बैठे जानता है गोगो जी जानगो का आदमी तो बई ही आपनी सगाई करना है और ठीक जानता ही आवा यार गोगो जी ने बात को बेरो भी हो जब माँ बाप से कहे कि माता मेरी तेरे बेटे को मंड को ब्याह बनड़ा गाम सहेली है गीत तन कोई ने बेरो कोनी मेरो तो ब्याह है माँ बाप से कहे लगी कि बेटा कठिसू आयो नारेल कुण बेचो रावत भेड़ लो कटे की लड़की है कुण सो गांव है के नाम है गोगो जी कहे दुफा शहर सु आयो नारेल राजा संदा सिंह जी भेजो रावत भेड़ लो दुफा गांव है सरियल जी को नाम है और राजा संदा सिंह जी की लड़की है अरबी के सगे मेरी सगाई तय कोई है माँ बात से लिखना की बेटा बात तो तेरी ठीक है पर एक बात मेरी भी सुन अरे ओ टीको जोड़ा ने भेज मौसी का जाया जोड़ा रिश्ला तेरी मौसी का बेटा है अर्जुन सर्जन बे बड़ा ही तू छोटो है बे दो ही तू एक ही और जठे ताई बा को ब्याह नहीं होवे गो तेरो सोरा सांस होण दीगा कोनी तो गोगो जी माँ बात से लेके वे कि माता मेरी परनेड़ी होवे तो देऊ छोड़ प्रेम छोड़ियो नहीं जाए देने वाली चीज हो तो भाई नहीं देता क्या आठ है पर सरियल की मेरी तो पूरे बल्ले जन्म की जोड़ी है सरियल मेरो तो प्रेम है आ कोई चीज देने वाली थोड़ी है माँ बाप से बोली रे देख तू एक टेंगरी खतरा किया हो जाए अरे गोगा तरमी तने परना दू दो रे चार दो गोरी दो सामी ये सरियल जी यार की चार बे दू गोगो जी बोले मन माला पड़ी है कि के करण हो गई मन फिर भी के काम करें माँ बाप से कहे दो ढोले पंखे भाड़ और दो करे पग चाकरी गोगो जी के मैं ओई काम करे जना काली ने खाजो कालो नागर गोरी ने पर पड़ जियो आभा बिजली मां बाप से लेके लागी बोले रे अति दूर दुफा शहर जाके के कर सिरे बावड़ा अरे नेड़े करवा दियो तेरो साख इज्जत दड़ोई गयो रायो अति दूर जाके के कर सी नेड़े करवा दियो तेरो साख सुबह जाना संजा आवड़ा गोगो जी के मैं नेड़े ठिकाणू कोनी ठीक है नी तू ठावा तने तेरे बेटे का ओड़मा बोले मां नजदीक रिश तो बढ़िया को निरे ओगे जी की और सरिये लिखी और फागण के तेरे सने दोनों जना की शादी अब गोगा जी की शादी हो जाए दिन बीतता गया सरियल को पहलो सावन आवे फागण सु सावन को महीनो आ जाए पहला राजा महाराजा का जमाना में वो नियम हो कि पतिव्रता स्त्री आपके पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए तीज को व्रत रात के तीज की पूजा कराया करती और एंडो एंड किया करती तो श्रावण को महीनो आवे तीजाणो दिन आवे तो के रानी सरियल आर माँ बात लेके है और के माँ बात जब आप देर के बार था बड़े के आपड़ी राम सभा सुने
बारह मना की बारह तीज है बड़ी सामने की तीज। आज तीजा को दिन है। मेरी साथ ने सहेली सगली बाग में इंडो इंडने चलेगी, तीज की पूजा करने चलेगी, मैं भी चली जाऊं। माँ बात चले कहना की देख रानी ओ जो को बाग है वो मेरे बेटे घोगा जी को तो है नहीं, वो तो जोड़ा को है। ओ बाया बाया के आडो बैर है, आओगी थे बैर बटाए। कहना की बेटा लड़ाई ने साइड दिया कर, शामनों को नहीं क्रिया कर।
की बाया बाया की बने को तेरा बाग में जानो को सर ये लिखेना की बाया बाया के आडो बेर के बहु बेटी के क्या को अरे भाई आंख बाया के तो कोनी बने अर्जन सरदन मेरा तो जेठ साई मन के मेरे क्या को बेर मैं तो जस्यू जिद्दी कर ले रानी शरीर तारी बर्जी सासु जी मैं ना रुकू जाऊं बागा के भाई घेर घुमाड़ो पेरियो रानी घाघरो ओडो ढकनारो संग की सहेली लीनी रानी सरियल सात मर साली बागा के भाई बाग के माजाक है और बाग के माली ने के रानी सरियल के है और के बाग को माली जवाब दे रखी बार था बने रखी अपनी राम सभा सुने अरे जीरे जीरे बोले तो रानी सरियल सोला श्रृंगार करके और बाग के माजा है जाकी बाग के माली ने कहे कि बागा की खिड़की माली का छोरा खोल दे आई गुगे की घर बाग की खिड़की खोल मैं इंडो इंडसू बाग के मैं तेज की पूजा कर सू माली कहना को देख रानी सरिये बागा की खिड़की रानी सरिये ले ना खोल ले चाबी जोड़ा के बात है वो बाग मेरो तो है नहीं हो तो जोड़ा को है रानी सरिये मन में विचार करू माली लालची कहला की चिटली की देशू मारी तने मुनड़ी गले को देशू नो सर हार बागा की खिड़की माली का छोरा खोल दे आई गुगे की घरे माली कहला जो नदिया बवा दो तारी मुनड़ी सागर बा दो नो सर हार बागा की खिड़की रानी सरियल ना खुले चाहे नो बार आओ गुगे की घरे बाग तो जोड़ा कैसी जदी खुल से और माली कहला गयो बोले मुनड़ी चौकी लगेगी जान चौकी लगे तो जोड़ा मन तो मार गिर बार सरियल मन में विचार करो माली ने बुरा लियो डरा लियो फिर भी नहीं मानो तो केक रहे रानी सरियल हाँ हाँ भाई
कोई ऊपर शुमारी तो ये रानी सरियल चली जाए। अब माली को सरियल पर तो जोर सालियो करी और बाग में सुबाजर महल में जोड़ा के कने जाए और जोड़ा कदा रानी सरियल की शिकायत करे। बोले यहाँ गोगा जी की रानी सरियल आई, बाग को गेट तोड़ दियो, बाग को भी ध्वंस कर दियो। अरे तन्ने कड्डी कोई और दो चार मेरे भी चेप गए। अति सुनता ही जोड़ा के काम करे, क्यों लड़ने के लिए भी बांधू चाहे। जोड़ा अत सुनता ही के काम करे और सड़ सड़ भागी कोई छट्टा पटलिया हाथी यार जी बोरे सरियल डखण्यारो चीर जीवो रे No!
सड़ सड़ बांधी जोड़ा दोनों पागड़ी झटपट लिया अखियार चढ़ घोड़े पर भाई दोनों चालिया आया बागा के बागमा की माली ने खेला गया जोड़ा सगड़ी सहेली माड़ी का छोरा एक सी कुण सी गुगे की घर नारे गुगा जी की रानी है कुण सी है लुगाई इंडेज की एक सी लागे माड़ी कह लागे और सहेले ओडिया पीड़ो पोमचो सरीर डखड़ियारो बोले बदे बह अतो नाम सुनता है अरे जोड़ा दोनों के काम करे हैं ओ रानी तो सरीर श्रृंगार करके आवे इंडे पर चड्डी चड्डी को चूंट ली कपड़ा फाड़ के रे अर्ध नगन स्तम कर दे और अत्ता मुंडो बोले गंदा सरियल कहीं सिया जोड़ा के कनु बाग मऊ गैल छुटा की और रोंती रोंती बाग मऊ चाले है और मैल मावे है और आकी माँ बाछल ने जोड़ा की शिकायत करे कि सासो जी मैं बाग में तेज की पूजा करने गई आया दोनों जोड़ा अर्जन सर्जन आया और मेरा कपड़ा सगड़ा फाड़ गिरा मेरा श्रृंगार सगड़ो लूट लियो और मन बहुत गंदा बोलिया मुंडो माँ बाछल तो नाम सुनता है रीशल और के माँ बाछल रानी सरियल ने कह के रानी सरियल जवाब दे रखे बार ताबण रखे अपनी राम सभा अरे चीरे चीरे पर चेरी रे माता तू गई आये रानी शरीर में आई थे मेरे भय गाये जीवो रे
घड़ी में तमाशा तू तो देख जी मरे कि बरजेड़ी रानी थे बागा क्यों गई आई तू बेर बढ़ाए मत ना जार बार मना करियो ने मेरे बेटे के राके बने को ने अरे तू मत जाई लड़ाई हो जाएगी ते अगले कुपद खोद की आई है रों तो जाज को मरेड़े की खबर ले सरिये ले कहना की कोई बात को ने सासू जी बार जोड़ाऊं तो बदलो मलेश तेरे बेटे का लिया दे सासू मने कपड़ा लिया दे पांचू हथियार शेरणी बनकी मरण में कूद पड़ू तू खड़ी तमाशा देख बाऊ तो बदलो मैं लेशु बांगे तो कोई बात को नहीं लेकिन तू यहाँ क्या करती ने मेरे गोगो जी ई हर गोगो जी का नाम शु ई रण खोड़ा मेहर ई हर बी है भी तेरे गोगो जी की मैं इज्जत तू भी की बीरणी हूं भी की देख जोड़ा के दशा करी और सरिये लिखना गया तो मेरी गलती होगी मैं बाग में चली गई जे मेलमा की जोड़ा आप दशा कर दी भी को धनी कुण है माँ बाचल ने कहना कि महिला की दशा कर देवी को धोनी कुण है माँ बाचल बोली जी क्या कर दी तो बोली बुला तेरे बैठे माँ बाचल ने कहना कि रानी तेरी बात तो ठीक है पर इनमें भी एक कारण है बोली और उनके कारण रहो तो सरिये ने माँ बाचल ने कहे अरे मेरा तो बेटा जोड़ा भाई तो ये सिमर है जोड़ा भाई तो ये तेरे अरे मेरा तो खोबो रानी शरीर
बोले गोगा जी महाराज की जय। मां बात से कहना जी कि मेरो तो बेटो रानी सरियल एकलो जोड़ा भाई है, ओए मेरो बेटो एक है और जोड़ा दो है और दो तो माटी का ही बुरा है। सरियल कहना की सासू जी ताने ही बात को बेरो हो के राजघराना में कदी लड़ाई हो सके ना थे एक ही क्यों जलमियो आठ सात जलम थी जो भांग लिए फिरता क्या तई जलमियो सासू मेरी एकलो जनती दोए रे यारे। जब माँ बात चल रही सही बोले की बात करें ये रानी दो चार जन्म है जंगल की कुकरी नारी का नर एक बोले रानी कुतड़ी एक सागर 14 बच्चे ले आवे और शेर तो एक ही जन्म है पर कुतिया शेर थोड़ी जा मेरो बेटो शेर है। रानी सरियल कहने लगी शेर तो है बुला भी तेरा शेर ने। माँ बात चल कहने लगी बोले रानी इम भी एक कारण है बोली और के कारण है रेगो तो के माँ बात चल रानी सरियल कहे अर के रानी सरियल सुने रखी बार था बड़े रखे अपनी राम सभा छोड़े अरे चीर चीर को बोली सुनो पाची अरे रानी सरियल कौन तो जगाने वाले जाए जीवो रानी मेरो तो बेटो सूतो काची नींद में खून जगाने जाए मेरो गोगो जी महल में सूते जगावे कौन सरियल कहने लगी कहे तो जगावे माता बाछ कहे तो गोगो जी के थे माँ हो थे जगाओ और नहीं मैं पत्नी उम्र जगाऊ तीसरे का थोड़ी बीके बोले ठीक है मेरे सागे हो कि बरियो कटोरो माता काचे दूध को गोगो जी ने जगाने महल जाए। रानी सरियल ने सागे ले जाए दूध को कटोरो बरकी महल के मा जाए और जाके मेले में आवाज लगा हुआ गोगो जी ने गोगो जी छिक नींद में सुता नहीं जागे सुने नहीं है नींद में
सरियल मन में विचार करो सगड़ो काम खराब होगो सरियल जगावे सूते श्याम ने ले सासू की ओले माँ बात चल गए हो ओले अरे गोगा जी के पक्की पकड़ की आंगली और रानी सरियल जोर से मरोड़ी दे अरे गोगो जी नींद में जागे गोगो जी जागया काची नींद मुंह आ लिया डोलिए का चारू आवे धड़धड़ा की बैठे हो अरे गोगो जी माँ बात चल ने कहला के माँ आया की जरूरी बात थी ताने नींद में जगानो पड़ो कहीं जगाया काची नींद छू कहीं पड़ गयो मारे छू आवे माँ बात चल कहला के देख बेटा आया रानी सरियल बाग में इंडो इंडन ने गई और ये अर्जन सर्जन जोड़ा दोनों आया और सरियल ने बोलिया मुंडा कोई गंदा इको श्रृंगार सगलो लूट लियो कपड़ा फाड़ गिरिया और मुंडो बहुत को फार बोलिया और कहना गया तो बापड़ी आज ना बात दुष्टा को गैल छुटा की बाज की मैल के माया गई और माँ बात छल कहना लगी बोले रे ये अब जोड़ा ही रहसी के जोड़ा कर सीज की होशी के जोर जोर बोल दे गोगो जी बोले तो माँ अब के चाऊ है बोले के चाऊ बा जोड़ा हूं तेरी जीत चाऊ और के चाऊ गोगो जी बोले यहाँ तो हाथ को नहीं जोड़ा मेरे लिए आरता की थाली लिया खड़े कोई लट्ठी ठीक हो लिया की दे तो के गोगो जी माँ बाछल ने कहे अर के माँ बाछल जवाब दे रखी बार था बने रखी अपनी राम सभा सुने अरे घोड़ों को घोड़ो तो ला दे माता मेरी लीलड़ो सोर टड़ी तलवार बालो ला दे बीजल श्यार को दादा उम्र की ला दे डाले कहना गया हथियार पाती ला के दे अब घोड़ो और ढाल बालो ला के माँ बासल दे दे तो गोगो जी और जोड़ा हूं लड़ने खातर रण में जा है और किया चाले रखे हैं देवी देवता ने याद कर रखी बार तबने रखी अपनी राम सभा सुने अरे चीर चीर लो पकड़ो धरियो Ah!
गोगो जी ने अरे माँ बाप से ले हथियार पाती ले दे जोड़ा हूं लड़ने खातर जय है कि पहलो पग दरियो गुगो पागड़ो करे धरती ने प्रणाम, दूजो पग दरियो गुगो पागड़ो करे गुरु गोरख ने प्रणाम, माँ बाछल ने प्रणाम, चढ़ घोड़े पर गुगो धर्मी चालियो करे देवन याद, और मैलाशु गोगो धर्मी चालियो और आयो रणक माए जेटे जोड़ा खटिया बठिया हुआ जोड़ा नहीं बात को बेरो का आशी पक्को क्यों आप छेड़ का नहीं है की कर किया यहां। अब रण के माए गोगो जी जाए जोड़ा दोनों भाई बोले बोले जुआन त्यार हो ले, त्यार हो ले तन बहुत दिनों का। गोगो जी बोलियो बोलियो पहलो वार थे दोनों भाई कर लियो, तो पहला वार जोड़ा गोगो जी पर करे हैं। अरे पहलो तो भालो रे अर्जुन मारियो और टाड़ियो श्री भगवान गोगा जी पर बाले शु वार करे बडोड़ो जोड़ो अर्जुन अर वो वार खाली चले जा कान के करने की बालो चले जा, दूसरो बालो सर्जन मारियो टाड़ियो गुरु गोरख नाथ दूसरो भाई वार करे वो वार भी टल जाए, तीजो बालो अर्जुन मन में विचार करियो बडोड़ो भाई कहीं ताबा आवे गो नहीं, तीजो बालो अर्जुन मारियो और लागियो लीले के पग में बालो जाए घोड़े के पग में बालो मारे अर वो बालो लाग जाए, अरे गो घोड़ो नीचे पड़े अरे गोगो जी घोड़े निकला गया रे लीला भया तू तो मेरी सवारी है भया तू मेरो बड़ो भाई भी है, चौथो घोड़ो खड़े हुए चौथो बालो और सर्जन मारी और टाड़ियो बालेशु गोगो जी आप चार बार करे जोड़ा चारों खाली चले जाए, जोड़ा गोगो जी निकला गया अब तू वार कर ले, तो आखिर में गोगो जी और जोड़ा पर वार करे है रखे बार तबड़े रखे अपनी राम सभा सोने अरे चीरे चीरे भालो तो भालो गोगो मारियो अरे भाई मेरा लागो अर्जुन के भालो जाये चीजो रे अरे चीरे चीरे भालो तो भालो गोगो मारियो अरे भाई रे लागो अर्जुन के जाये चीरे जन मारियो थोड़ी बाल जीवो रे
बोलो गोगा जी महाराज की कि पहलो बालो गोगो धर्मी मारियो लागियो अर्जुन के बालो जाए बड़ोड़े भाई के बालो मारे है और वो बालो लाग जा रहा अर्जुन आटा अर्जुन का पड़ता है और छोट क्यों भाई सर्जन भाग छूट तो सर्जन के ऊपर भी गोगो जी बालक को वार करे दूसरो बालो गोगो धर्मी मारियो गयो सर्जन के बालो मारे अर्जुन मारियो है ये बड़तले सर्जन मारियो दौड़ी मारे दुनिया की मार की हाथ में ले की मुंडी और महल में आवे माँ बाछल मन में विचार करियो कि आपनो बेटो रणमो जीत की आशे आरती की थाली सजा रखी और आता है आप बेटे की आरती उतार से अब गोगो जी दुनिया की हाथ में मुंडी लिया महल में पूछे तो दुनिया की मुंडी काट की हाथ में लेके महल में आवे माँ बाछल देखे माँ बाछल ने दया आई आरती की थाली बगाई फरण देने से अरे गोगो जी ने कहना गिरे दुष्ट अरे मैं तो तने बाऊ जीतने खातर भेजा बाऊ बाकी अथा करने थोड़ी भेजी और तू तो अथारो जीव अथा कर दी माँ बाछल कहना कि मेरो तने शराप है के मैं जीऊ जब तक तू तेरी शक्ल मन मत दिखा अतो नाम सुनता है गोगो जी मेल शू पाछो बाजे है तो रानी सरियल घोड़े की लगाम पकड़ ले और रानी सरियल कहना गई बोले थे तो चालिया मारो के उस जब गोगो जी कहना को देख रानी मेरी माँ मन श्राप दे दी तो मैं मेरी माँ के नजरा के सामने तो नहीं मेरी मासू नजर बचा की और रात के समय मैं तेरे शु मिलन ना शु तो प्रेमियों गोगो जी महाराज रात के समय में रानी सरिये शु मिलन ने खतरे और महल में जाया करता दिन बीतता गया दिन पलटी दशा पलटी पलटा तीर कबाण और बीला लूटी गोपियां वो अर्जुन वो बारह मना को टाइम बीत जाए और पाछो सावन को महीनो बारह मना के बाद में आवक है और तीजा को दिन आवक है और रानी सरियल सोड़ा श्रृंगार करके महल सुन नीचे आवे और गोगो जी की माँ बाछल ने याद माँ बाछल है रानी सरियल ने कहला की रानी मेरे बेटे ने गए ने बारह मना होगा और तू श्रृंगार कर रहा है इतना आवड़ा क्या तो दुष्ट कलंक नहीं है जब रानी सरियल कहना की माँ जी मैं कलंक नहीं तारो बेटो तारे सु नजर बचा के और रात के समय में रोज मेरे सु महल में मिलन दाल माँ बाछल कहने लगी या तो मेरे बेटे की शक्ल दिखा नहीं तू झूठी है तो दूसरे दिन गोगो जी रानी सरियल और रात के समय में मिलन न जाए जब रानी सरियल आपकी बात रखने खातर और माँ बाछल ने जगह की ले जा बोली माँ जी वो तारो बेटो रही दोनों माँ बेटा की नजर मिले हैं और गोगो जी महल शू बाजे हैं अरे अठिया की जमीन न धरती निकला गया धरती माता फाट धरती नहीं फाटे तो गुरु गोरख जी गोरखनाथ से वंदना करें गुरुदेव आ जमीन फाटे को नहीं गुरु गोरखनाथ जी कहना गया कि कोई मुस्लिम ने गुरु बना कलमू पढ़ सी जना जमीन फाट सी तो गोगो जी एक मुस्लिम ने गुरु बनावा है और कलमू पढ़े इल्ला इल्ला मोहम्मद रसूल इल्ला तो जमीन फाट जाए हैं और गोगो जी जमीन में समा जाए हैं इस प्रकार और मुस्लिम भी गोगा जी ने गोगा पीर के नाम से मनावा है इस प्रकार गोगा जी के और जोड़ा की राड़ की कथा है आप सभी से निवेदन है एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा करके और गोगा जी